न्यूज के साथ मैं हूं अस्मा जावेद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इस्लामाबाद निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकर ने चित्राल हमला पसपा करने पर फोर्सेस से इजहार तशक्कुर किया। चित्राल हमले पर जारी बयान में निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकर ने कहा है कि हमारी चौकस फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। अफवाज ने चित्राल के करीब पाक अफगान सरहदी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। वजीर आजम ने कहा है कि चित्राल हमले में हमारे 4 फौजी जवानों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। हमले में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क भर में बिजली चोरी के बाद गैस चोरी के खिलाफ भी मुल्क घेर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैनेजमेंट डायरेक्टर सुई नादरन आमिर तुफैल का कहना है कि गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली है। 3 साल में 803 मुकदमात किए गए। इस दौरान 361 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। आमिर तुफैल ने मजीद कहा है कि 50% से जायद गैस बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। इम्पोर्टेड गैस लोकल गैस से 3 गुना महंगी है। इस्लामाबाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से गायब होने वाली अद्वियात से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक जालेवा अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब होने पर कार्रवाई की जाएगी। नायाब अद्वियात के मुतबादल ब्रांड्स जल्द मार्केट में मुहैया किए जाएंगे। ड्रैब ज़राए का कहना है कि जालेवा अमराज के लिए नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन फौरी की जाएगी और इस हवाले से कैंसर शुगर की अद्वियात की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तें ज़ेरे गौर हैं। कराची वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है कि सोशल मीडिया पर महवी शायात और कुबरा खान के खिलाफ तमाम लिंक्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। ताहम ट्विटर इंतजामिया का ताहल जवाब मौसूल नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महवी शायात और राबिया इकबाल और कुबरा खान की जानब से यूट्यूबर आदिल फारूक राजा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जिस सिलसिले में अदालत के तलब करने पर तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए, दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में मौकिफ इख्तियार किया है कि यूट्यूबर ने 4 अदाकाराओं पर झूठे इल्जामात लगाकर उनकी तस्लीम की। इस्लामाबाद PTI के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेश हुए। ज़राए के मुताबिक मलिक अमीन असलम नैब रावलपिंडी में JIT के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक मलिक अमीन असलम रावलपिंडी में JIT के सामने पेश हुए, जहां नैब टीम ने उनसे 2 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की, जबकि इस दौरान मलिक अमीन असलम ने बयान रिकॉर्ड कराया। नैब ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अमीन असलम ने कहा है कि मुतलका काबीना मीटिंग में था, इसलिए नैब ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया था। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन और बकाया जात की रिकवरी का फैसला कर लिया। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक जिला और तहसील की सतह पर कमेटियां कायम की जाएंगी। बिजली चोरी और गैर कानूनी कुंडा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। अलामिया में कहा गया है कि सूबाई सतह पर टास्क फोर्स के सरबराह सिक्योरिटी दाखिला होंगे। टास्क फोर्स और कमेटियां बिजली चोरी रोकने और बकाया जात की वसूली में किरदार अदा करेंगी, जबकि पुलिस की मदद से बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन हटाए जाएंगे। अफ्रीकी मुल्क गबोन में इक्तदार से बेदखल किए जाने वाले माजूल सदर को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। 30 अगस्त को अफ्रीकी मुल्क गबोन में सदर अली बोंगो के सदारती गार्ड्स कमांडर ने इक्तदार पर कब्जा करके सदर को नजरबंद कर दिया था और फौज ने मुल्क में होने वाले इंतखाबात को मुअत्तल कर दिया और रियासती इदारों को भी तहलील कर दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम ने तस्दीक की है कि साबिक सदर अली बोंगो की नजरबंदी खत्म करके उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में आलमी सकाफती वर्षा सांची की जगह हिंदुस्तान का पहला सोलर सिटी कायम कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में वाकया आलमी सकाफती वर्षा सांची को हिंदुस्तान का पहला शमसी शहर बना दिया गया है, जो 3 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसका बाकायदा इफ्तिताह रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने गुज़श्ता रोज किया।
श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने कोलंबो में आइंदा दिनों में बारिश की पेशेंगोई की है, जिसमें एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा है। कोलंबो में सुपर फोर मरहले के मैचेस 9 सितंबर से शुरू होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आज सहपहर को कोलंबो पहुंचेंगी, जबकि भारतीय टीम पहले ही कैंडी से कोलंबो पहुंच चुकी है। भारतीय टेलीविजन की मारूफ अदाकारा हिना खान ने कौमी ऑलराउंडर शादाब खान के हरीफ टीम भारत के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के जूते के तस्मे बांधने पर इजहार ख्याल का इजहार किया है। 2 सितंबर हफ्ते को एशिया वनडे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला हुआ, जो कि बारिश की नजर हो गया और ये मैच बेनतीजा ही खत्म हो गया। लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसे लम्हात मद्दाहों ने देखे जो बरसों याद रखे जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।